आपके पास स्वास्थ्य है, पीडब्ल्यूडी लिखा है, क्या स्थिति है सड़कों की राज्य में, किस तरह से स्वास्थ्य के इंतजाम किए गए हैं इमरजेंसी सिचुएशन को लेकर? हिमाचल प्रदेश आज एक कठिन दौर से गुजर रहा है और जिस तरह से ये अचानक प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश को सहनी पड़ी है, मैं समझता हूं कि मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में खुद फ्रंट लाइन में आकर जो है इसका मॉनिटर कर रहे हैं। और जहां तक आपने सड़कों की बात करी तो बहुत सी सड़कें जो है इससे प्रभावित हुई थी, सड़कें टूटी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से और विभाग के जो अधिकारी हैं दिन रात काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि कोई भी जो सड़क जो है वो उसकी जो सुविधा है और वो बंद नहीं होनी चाहिए और उसकी सुविधा आमजन को मिलनी चाहिए। और आजकल क्योंकि अब सेब का सीज़न है और हमारे जो कृषि जो टमाटर का सीज़न है, सब्जियों का सीज़न है, किसान और बागवानों का जो उत्पाद है वो मंडी तक पहुंचाने के लिए सड़कों को तुरंत प्रभाव से खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। और मैं ये आपसे साझा करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि बावजूद इतने बड़ी प्राकृतिक आपदा के जो सड़कें बंद हुई थी आज 90% जो सड़कें जो हैं वो खुल चुकी हैं और किसानों और बागवानों का जो उत्पाद है वो सीधा जो मंडी में पहुंच रहा है। जिस तरह से हम जानते हैं कांगड़ा में 100 से अधिक लोग फंसे हैं, यहाँ अभी सर्च ऑपरेशन चालू है शिमला में, हेल्थ फैसिलिटीज किस तरह से अलर्ट पर रखी गई हैं राज्य भर में? एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो शिमला और अन्य क्षेत्र में जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो फेस करनी पड़ी है। और लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो हैं पर्याप्त मात्रा में हैं और वहाँ पर जो दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं, पूरी तरह से जो स्वास्थ्य सुविधा जो है वो मिल रही है।